शुरू कर। या साला बड़ा टफ है ये वर्कआउट। इसमें हाथ एक पैर ऐसे जाएगा, एक पैर ऐसे जाएगा, आपको लग रहा हो ना। चल भी चल, शुरू कर वर्कआउट, बड़ा टफ है। आज है जो मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी पार्ट 1 लेग फैट रिड्यूस कैसे करें एट होम वुमेंस के लिए, ठीक है। उसके पार्ट मैंने 5 एक्सरसाइज दिखा दी थी पिछली वीडियो में, और आज दोबारा से 5 एक्सरसाइज दिखाऊंगा। इसमें क्या एड ऑन क्या होगा, इसमें फुल बॉडी का भी दिखेगा, ठीक है। फुल बॉडी का भी वर्कआउट चलेगा, लेकिन जैसे मैंने लेग का पिछले सारी एक्सरसाइज में दिखाया, लेग पे आ रहा था, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, फुल बॉडी रहेगा, मतलब लेग पे तो आएगा फुल बॉडी वर्कआउट भी रहेगा। फॉर्मूला डाइट फॉलो करो, लेटा रहेगा। और दूसरा, किसी ने कहा था आप इकट्ठे एक वीडियो में क्यों यार, एक वीडियो में दिखाऊंगा ना बहुत लंबी बन जाएगी, 10 एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एक बार में बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी, इतनी लंबी वीडियो को देखेगा नहीं, ओके। तो आज 5 मैंने पहले दिखा दी, आज 5 एक्सरसाइज आज दिखाऊंगा। अभी 3 एक्सरसाइज लेटने के, मतलब फ्लोर एक्सरसाइज है, वो पहले करके दिखाता हूँ, फिर आपको रेपिटेशन वगैरह बताऊँगा, वो आपको फॉलो करने हैं। और सब ढंग से डाइट फॉलो करो, रिजल्ट आएगा। उससे पहले जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका होस्ट मनीष फुलवारिया, मिस्टर फिट एंड फिटनेस जिम चैनल से। जो मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। जो रियलिटी हर बार बोलता हूँ, जो रियलिटी है वही दिखाता हूँ। अब दोबारा से मैं रनिंग पे जाने लगा हूँ, दोबारा स्टेमिना बढ़ रहा है। मुझे लगता है अजीब सा बुखार हुआ, उसके बाद कभी ऐसा हुआ नहीं कितनी बॉडी में वीकनेस आई हो। और दूसरा, ढंग से वीडियो कभी कभी वीडियो बन पाती है। मेरा शेर, मेरा बेटा मुझे सोने देता नहीं, रात भर जगा के रखता है, तो अगले दिन नेक्स्ट डे हिम्मत नहीं होती। वो एक हिम्मत एक ही चीज़ के लिए बढ़ती है, या जिम में वर्कआउट कर लूँ या वीडियो बना लूँ, ओके। तो दोबारा से वही जो वुमेन के ऊपर सीरीज बना रहे थे हम, शुरू करते हैं। अभी हमने क्या किया, ठीक है, कैसे करनी है मैं दिखाता हूँ आपको। जो स्टार्टिंग में लेट कर रहा था ना, कैसे करनी होगी। पैर दोनों हवा में आगे, हाथ दोनों स्ट्रेट। अब जैसे मैंने अपना लेफ्ट पैर सीधा किया, राइट हैंड पीछे जाएगा, ठीक है। वापस आ गया, अब राइट पैर सीधा करूंगा, लेफ्ट हैंड सीधा जाएगा। 2 हो गए हैं, 3 हो गए हैं, 4 हो गए हैं, 5 हो गए हैं, 6 हो गए हैं, 7 हो गए हैं, 8 हो गए हैं, 9 हो गए हैं, 10 हो गए हैं। थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। अब इसमें क्या, लेग पे तो आ रहा है, पेट पे भी आ रहा है, ठीक है। जो आर्म्स के ऊपर फैट है वो भी आ रहा है। 3 सेट 12-12 रेपिटेशन गई, ये हमारी एक हो गई, ठीक है। जो सेकंड पार्ट का जो हम वर्कआउट बना रहे हैं, अब सुबह इसी पे हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर पर हिल टैप करेंगे। हिल टैप मतलब जैसे आगे मैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो। अब ये आएगा साइड के लिए, ठीक है। 3 सेट 15 रेपिटेशन के। अब इसी में तीसरे नंबर पे क्या करेंगे, मैं तो जल्दी लेकर दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा टाइम ले लेके कर सकते हैं। अब पुशअप करने हैं। अब कई फीमेल लोगों का ये पुशअप मेरे से ठीक से लगते नहीं, पहले मैं स्ट्रेट वाले भी बता रहा हूँ, ओके। हाथ सीधे रहेंगे, सामने देखना है। 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर आपसे ये ना हो, घुटने ज़मीन पे रख के चाहे पैर क्रॉस कर लो, क्रॉस करके थोड़ा आसान हो जाएगा ऊपर अगर ऐसे करते हो, ठीक है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर तो आप स्ट्रेट मारते हो, स्ट्रेट वाले पुशअप मारते हो, वो रख लो आप 10-10 के 3 सेट। पैर क्रॉस करके मारते हो, 3 सेट 15 रेपिटेशन के, ठीक है। ये हमारे 3 हो गई। अब 2 एक्सरसाइज जो जिस पे हम ख़त्म करेंगे वो स्टैंडिंग वाली है। अब नंबर 4 पे क्या, हाई नीज करेंगे। पहले भी मैंने करके दिखाई है वीडियो में, दोबारा से इसके साथ इसमें ही ऐड करेंगे। पैरों का तो फैट जाएगा और पूरी बॉडी का भी जाएगा, ओके। 3 सेट करने हैं। अपना 30 सेकेंड के टाइम नोट कर लेता हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम भी किया था, मज़ा बड़ा आता है एक्सरसाइज में, ज़बरदस्त एक्सरसाइज है ये, हर किसी को लगानी चाहिए, मैं ही कहता हूँ। टाइम देख के करूँगा ना। माइक ना टूट जाए। हाँ, 30 सेकेंड कंप्लीट। माइक की वायर भी खींचिए। चलो, बच गया। 3 सेट 30 सेकेंड के, ठीक है। 4 पे होगी। अब लास्ट और सबसे मुश्किल होगी ये। मुश्किल क्यों होगी, आपको बॉडी होल्ड करनी है। आपको दिखाता हूँ क्या करना है, इसको भी टाइम देख के करना है। देखता हूँ, अभी देख जाते हैं। नंबर 5 दिखा रहा हूँ आपको। बॉडी को होल्ड करना है इस पोजीशन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हाँ 30 सेकेंड हो ही गए कम से कम। ये भी 3 सेट 30 सेकेंड ना हो, स्टार्टिंग 15-15 सेकेंड के 3 कर लो। 5 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। जो हमको सांस चढ़ रहा ना, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को कभी सांस चढ़ता नहीं था, ठीक है, सांस दोबारा चढ़ने लगा। अब दोबारा स्टेमिना बढ़ा रहा हूँ, कब बढ़ेगा देखते हैं। ये वर्कआउट लगा लो जो रेपिटेशन, जिस तरह से मैंने रूटीन दिखाया, जैसे करके दिखाया उसी तरह से। 10 एक्सरसाइज होगी, पिछली 5 हो गई, 5 को जोड़ लो, टोटल 10 एक्सरसाइज होगी। साथ में डाइट फॉलो करो, डाइट प्लान्स में देता हूँ बेसिक, और बाकी पीछे तो है ही, आपको पता ही है। फॉलो करो और रिजल्ट पाओ। इसमें पता क्या है, चीटिंग नहीं कर सकते। इसका ये है हाथों हाथ रिजल्ट है, करोगे तो रिजल्ट आएगा, नहीं करोगे तो जैसे हो वैसे देखो, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। डाइट फॉलो करोगे तो भी रिजल्ट आएगा, नहीं करोगे तो जैसे हो वैसे ही रहोगे, कोई चेंज नहीं आएगा। अपने आप को धोखा दे नहीं सकते। सारी गेम क्या, इसमें खुद से मेहनत करनी है, इसमें कोई आपको कोई कराने वाला नहीं है। जो करना है आपने करना है, जो रिजल्ट आएगा आपको आएगा, जो भी होगा वो आपके साथ होगा, किसी और के साथ नहीं होगा। तो इसलिए वर्कआउट जब फॉलो करते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और डाइट में अच्छे से ध्यान दो, रिजल्ट पाओ। ओके, मैं आपको मनीष फलवारिया नेक्स्ट वीडियो तो वेट करो। ये वीडियो यहीं समाप्त करूँ, जल्दी मिलते हैं।